नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। और दोस्तों, सीजीपीएससी 2019 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप सभी कई सारे टॉपर्स और बहुत सारे छात्रों की बातें सुन चुके हैं। और आज फिर से मेरे साथ डिप्टी कलेक्टर रैंक पा चुकी लेखा अजगले मेरे साथ बैठी हैं, 21st रैंक। लेखा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज चलिए लेखा से बातचीत करते हैं और आप सभी के लिए ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी होगी कि किस तरह से ये जर्नी ट्रैवल होती है और आप अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत कुछ सोचते हैं और उसके बाद जब आप ट्राई करते हैं यूपीएससी से पीएससी में शिफ्ट करते हैं, उस शिफ्टिंग का पेन और फिर जब आपको कुछ पता नहीं होता और देन फिर आप ट्राई करते हैं और उसके बाद जब सफलता आपको मिलती है तो उसका मजा कैसा होता है। तो आइए लेखा से बातचीत करते हैं। लेखा, सबसे पहले मैं फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। सर, मेरी स्कूलिंग डीपीएस भिलाई से हुई है। मैं 2012 में पास आउट हुई। उसके बाद 2012 से 17 तक एचएनएलयू हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद सर, जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा प्लान, मतलब कुछ दोस्त थे हम, तो हमने सोचा यूपीएससी ट्राई करते हैं। तो अब कॉलेज में तो इतने सीरियस नहीं होते स्टडीज़ को लेके, तो हमने सोचा ठीक है। तो पाथ का नाम काफ़ी सुना था रायपुर में, तो हमने पाथ में आई थिंक 2016 में हमने इनरोल किया था। और फिर उस टाइम पे सीरियस नहीं थे सर, नोट्स बना के रख लिया था, रिवाइज भी नहीं करते थे ना खुद से कुछ एफर्ट डालते थे, तो वो ऐसे हवे में किया था। फिर उसके बाद फिर लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि सब प्लेस होते जा रहे थे और फिर सर मैं बच जा रही थी। तो फिर उसके बाद सीरियस प्रेपरेशन 2018 से मैंने सीजीपीएससी की। ओके जी, मुझे याद है आप लोग 5-6 की टीम में आते थे और 8:30 की बस होती जी थी। सर, हाँ, हाउस है ना, भागना होता था, क्लास के बार बीच में छोड़ के भागना पड़ता था। ये जो जर्नी है एनएलयू में, जब आप तैयारी कर, जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ये दिमाग में क्यों आया कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, जुडिशरी से एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्यों स्विच हुआ? सर, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, जब मैंने लॉ ऑप्ट किया था, तब से ऐसा पापा सबकॉन्शियसली पापा ने बोला था, तो मेरे दिमाग में था कि गवर्नमेंट जॉब करना है। और मम्मी पापा मेरे दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ऐसा था कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई कैन डू। मतलब मैंने देखा था कैसे काम होता है, फील्ड वर्क कैसे होता है, तो यही करने का मन था। प्राइवेट का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था मुझे, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, नॉट मेंट फॉर मी। तो सर वैसे था। और फिर मैंने कॉलेज में, हमारा क्या होता है, एक बीए एलएलबी होता है, तो बीए में मैंने सोशियोलॉजी लिया था ये सोच के कि यूपीएससी में ऑप्शनल लेंगे सोशियोलॉजी, लेकिन ठीक है। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी उस डायरेक्शन में मुड़ गई। दोस्तों, कई बार होता है कि आप ग्रेजुएशन में कुछ प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, देन आप स्विच करते हैं। एनएलयू का जो करियर है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं लॉ ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं जी सर, कि एनएलयू बेसिकली क्या क्या स्कोप दे सकता है। सर, एनएलयू में सबसे पहले तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बहुत लिबरल थिंकिंग होती है, तो आपका माइंड बहुत ओपन हो जाता है सब चीज़ों को लेके। आपके स्कोप्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने लॉ किया हुआ है तो आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ फर्म जा सकते हैं, या फिर ये सिविल सर्विसेज के लिए मेरे को लगता है लॉ एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, क्योंकि हमें क्या होता है बीए में बहुत आंसर्स लिखने होते हैं, 10 मार्कर 15 मार्कर आंसर, जैसे हम अभी मेंस में लिखे हैं, तो इसीलिए मुझे मेंस में ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ा, इंग्लिश भी सही थी, तो सर मुझे लगता है काफ़ी हेल्प हो गई मैंने जो लॉ ग्रेजुएशन किया उससे। तो सर स्कोप बहुत सारे होते हैं, अब वो चुनना खुद को होता है कि किस में इंटरेस्ट है, अपने आप को पहचानना होता है। फिर भी एनएलयू के करियर को देखें तो लोग कहां कहां पर जाते हैं, लाइक सिविल जज की तैयारी करना, एडवोकेट बनना, लाइक ये 3-4 ऑप्शंस में जानना चाहूंगा। सर जैसे मैंने अपने बैच में देखा, तो जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लॉ फर्म्स में दे आर वर्किंग। कुछ जो है वो कुछ सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, जुडिशरी में अभी हमारे पास आई थिंक 19-20 पीपल दे गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ लाइक 39 पोस्ट जो निकले थे जुडिशरी में, 19-20 हमारे कॉलेज के थे। और कुछ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर दिल्ली में लिटिगेशन करते हैं। सो स्कोप तो बहुत है, बहुत है जी। बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट फर्म्स को ज्वाइन करते हैं लॉ फर्म्स को, तो लॉ फर्म्स में भी वैरायटी होती होंगी, हमारे कॉलेज में क्या होता था, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में हमको अपना ऑनर्स चूज करना पड़ता था, तो 4-5 ऑप्शन थे, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, IPR हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया। तो जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से फर्म्स होते हैं अलग अलग। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक आनंद एंड आनंद है, वो IPR स्पेशल है, क्योंकि मैंने IPR में ऑनर्स किया था,
तो वो बहुत एक टॉप नेम है। जी तो ऐसे अलग अलग लॉ फर्म्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ओके, तो क्या जरूरी होता है कि जो आपका ऑनर सब्जेक्ट था उसी फील्ड में ही हम जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्रिमिनल लॉ किया था बट अभी वो कॉर्पोरेट में काम कर रही है। ओके, तो लेटर ऑन भी स्विच कर लेते हैं लोग। ओके, जस्ट लाइक जैसे एमबीए में हमारा स्पेशलाइजेशन होता है, तो वैसे ही ऑनर्स एनएलयू में हम कह सकते हैं? कह सकते हैं बट स्विच लोग कर लेते हैं सर। लोग कर लेते हैं जी। ओके, लॉ ग्रेजुएशन के बाद फिर फर्दर लॉ के एरिया में हमें आगे जाना है, तो फिर कौन से कोर्सेज होते हैं? सर जैसे लॉ हो गया, उसके बाद जैसे अगर टीचिंग में जाना है तो उसमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, तो उसमें एमए करके भी लोग चले जाते हैं या फिर एलएलएम कर लेते हैं। अब एलएलएम 2 साल का होता है, तो अगर यहाँ इंडिया से करना है तो एनएलयूज होते हैं, उसके लिए क्लैट का एग्जाम फिर से होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा, वो अलग एग्जाम होता है? वो दूसरा क्लैट, एक अंडर ग्रेड का क्लैट होता है, एक पोस्ट ग्रेड का क्लैट होता है। उसके बाद लोग फॉरेन से भी करते हैं, तो वो भी उसके लिए भी अलग एग्जाम्स होते हैं। तो और फिर लोग पीएचडी भी करते हैं, 3 से 6 साल का हो सकता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं हमारे बैच के। तो सर एकेडमिक स्कोप बहुत ज्यादा है और वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला क्लैट है, उसका सिलेबस का कुछ आइडिया है कि क्या होता है उसमें बेसिकली? सर उतना अच्छे से तो आइडिया नहीं है, बट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसप्रूडेंस, ये जो हमारे सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में, वो सब रहता है। जनरल नॉलेज के 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, 12th आपका किससे रहा? 11th 12th सर PCM प्लस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, सो अचानक ये लॉ किसने सजेस्ट किया आपको कि एनएलयू ट्राई करना चाहिए, आई मीन क्लैट देना चाहिए? सर ऑनेस्टली मैंने भी आईआईटी के फॉर्म्स भरे थे और ये जो AIEEE ये सब होता है, मैंने वो एग्जाम्स दिए थे, बट सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था उसके लिए। मैंने क्लैट का फॉर्म भी भरा था और उसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जब मैंने दिया था, तो मैंने लगभग सारे अटेम्प्ट किए थे तो नंबर काफ़ी अच्छे आ गए। तो मैंने सोचा ठीक है, अब रायपुर का रायपुर है, अच्छा कॉलेज भी है, तो लॉ कर लेते हैं। तो वो कोइंसिडेंस टाइप था। क्लैट के फॉर्मेट के बारे में अभी समझा सकते हैं, कुछ आइडिया है अभी, याद है जो रिसेंट चल रहा होगा? सर जितना मुझे याद है, जब मैंने दिया था 2012 में, तब 100 क्वेश्चंस आते थे। उसमें लॉ का मतलब वो होता है लीगल एजुकेशन ऐसा कुछ होता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते, वैसा कुछ कुछ ऑप्शन एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, तो वो थे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, जीके क्वेश्चन था, इंग्लिश और रीजनिंग के। तो सर ऐसे 4-5 सेक्शन थे, और अभी तो नेगेटिव मार्किंग हो गया है बट जब मैंने दिया तब नहीं था। ओके, चलिए अब पीएससी के बारे में बात करते हैं। पीएससी का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन जब आपको सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले जब आप तैयारी कर रहे थे, तो क्या ऐसा लगा कि हाँ ये 5-6 महीने में या 1 साल में किया जा सकता है? सर स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि 3-4 महीने बचे हैं, अभी तैयारी शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता इतने जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले से एक्सपोजर मेरा था यूपीएससी को लेके, तो इंडिया वाला पार्ट सर थोड़ा इजी था टैकल करने के लिए, लेकिन मुझे CGS के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं आपको बताऊं, जब 18 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं एक अरिहंत की एक इंग्लिश मीडियम की बुक थी, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि इंग्लिश की बुक एज सच मार्केट में उतनी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम वो बुक ले ली थी, मैंने उसे प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट सर 90 नंबर मिला था प्री में, तो सिलेक्शन हो भी नहीं पाया। उसके बाद जब पास ज्वाइन किया, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था मार्च 2019 में CGGS का, तो सर मुझे पता चला बुक्स कौन सी पढ़नी है, और यहाँ पे मेरे एक दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने जिनके साथ मैंने सर सालों 2 साल लगभग पढ़ाई की, तो सर रास्ता बनता गया फिर। बहुत बढ़िया। इट मींस हम फ्रेशर्स को ये बता सकते हैं कि CGPSC को जितना टाइम लगना है वो लगना ही है। हाँ सर, आप मानती हैं फ्रेशर को बताने के लिए? सर मुझे लगता है मिनिमम 1 साल तो मेरे ख्याल से लग सकता है। जी, मिनिमम मिनिमम। अब कोविड के कारण डिले हो गया, तो मुझे लगभग 1.5-2 साल लग गए, बट 1 साल तो लगता है। ओके, प्री मेंस शुरू से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है, आपकी अप्रोच क्या रही और कब आपको लगने लगा कि हाँ अब मैं मेंस में कॉन्फिडेंट हूँ? सर अगर मैंने अपना 2019 की बात करें, तो मैंने मार्च में पास ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने अपने आप को एनालाइज किया और मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। तो उसके बाद मैं बैठकर सोचा कि क्या किया जाए। मैंने सोचा लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो मैंने सेप्टेम्बर 19 से प्रॉपर शंकरनगर लाइब्रेरी जाना शुरू किया, और वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बनी थी ओशीन पात से ही, तो हम दिन भर रटते रहते थे क्योंकि पता था रटना है। तो सर ये पूरा टाइम सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर तक पूरा रटना,
ये सब चला। फिर उस टाइम मैंने मेंस की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी सर, तो नवंबर से फिर प्री फोकस नवंबर से शुरू की पढ़ाई, नवंबर दिसंबर जनवरी, और जनवरी में मैंने पाथ का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था प्री का। और सर तब पता चला मेरा क्या क्या वीकनेस है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ATC का था, स्पेसिफिक ATC का टेस्ट था, तब मुझे पता चला कि मेरा बहुत वीक है और मुझे इसको 5-6 बार और पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सर बहुत पढ़ाई की, तो और एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे अटेम्प्ट हो गए थे। तो फिर ये सर प्री का था। फिर मैंने अब मेरा ये खुशकिस्मती समझे कि कोविड का जो ब्रेक लग गया, क्योंकि मेंस की मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो जब ब्रेक लगा तो मैंने नोट्स बनाए और मैंने तब प्रॉपर मेंस पढ़ा। बट आई वुड सजेस्ट कि ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मिल गया। बट पहले से ही करना चाहिए। जी, लेखा ने जो ATC शब्द इस्तेमाल किया वो आर्ट ट्राइब कल्चर की बात हो रही है, तो अन्यथा और कोई सिलेबस नहीं है जो फ्रेशर होंगे, मे भी हो सकता है आप सोचे कि ATC पता नहीं क्या पढ़ लिया। सो आर्ट ट्राइब कल्चर, बिकॉज CGGS के क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चंस होते हैं आर्ट ट्राइब कल्चर के, उसके बारे में बातचीत हो रही थी। आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज किया, बिकॉज हाँ आपने NLU का बैकग्राउंड बताया कि आपने ऑलरेडी वहाँ लिखा छोटे छोटे शब्दों में क्वेश्चन, यहाँ वाले फॉर्मेट को कैसे आपने प्रैक्टिस किया? सर मैंने अपने नोट्स खुद से बनाए थे, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ऐसे 15-20 पेज में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया ऐसा मैंने बनाया था। तो मैंने वर्ड्स ही, मैंने की वर्ड्स के नोट बनाए थे, मैंने प्रॉपर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा था। और सर मैंने एज सच उतनी राइटिंग प्रैक्टिस की भी नहीं थी। अब आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग मत करिए, क्योंकि सबका अपना अपना है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपना अपना है। तो मुझे लगा कि आई कैन राइट, बट मेरे को दिमाग में रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रिवाइज सर ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स हर सब्जेक्ट को रिवाइज किया होगा, तो सर वो टैकल हो गया था, क्योंकि कॉलेज में भी हम लिखते थे तो इतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। नोट्स मैंने बहुत बार पढ़े थे। ये जो नोट्स आपने बनाए खुद के लिए, ये नोट्स के बारे में मैं समझना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा कि इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं कि खुद मुझे नोट्स बनाना है तो मैं 3-4 नोट्स ले लूं या बुक्स ले लूं देन फिर अपने नोट्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। सर जैसे मुझे थोड़ा बहुत तो गाइडेंस मिल गया था कि कैसे करना है, बट मुझे लगता है हर स्टूडेंट अलग होता है और हर को अपने सोर्स खुद के हिसाब से लेने चाहिए। मुझे पता था मुझे छत्तीसगढ़ी बोलना बिल्कुल नहीं आता, तो वो मेरा बहुत बड़ा वीकनेस था, और वो 50 नंबर का आता है। हिंदी से भी बिल्कुल कट ऑफ हो गया था कॉलेज में, तो हिंदी पढ़ना नहीं होता, तो मुझे पता था लैंग्वेज मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो सर मैंने लैंग्वेज में बहुत फोकस किया, और फिर ऐसे मुझे पता था हो जाएगा, जैसे आप बताते थे ना सारे सब्जेक्ट पढ़ लो फिर ऐसे लिखना होता है, तो सर मैंने वही अप्रोच लिया था। और हिस्ट्री के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि हमने UPSC में वो पढ़ लिया था हिस्ट्री पॉलिटी, और पॉलिटी मेरा ग्रेजुएशन भी था, तो सर वो सब नहीं लिया। पब एड का मैंने बनाया था बहुत शॉर्ट में, क्योंकि पब एड न्यू सब्जेक्ट था, और पेपर 4, 5, 6, 7 उसके मैंने सर प्रॉपर 3-4 सोर्सेज मिला के अपने नोट्स बनाए थे। और साइंस तो हमें पता ही है क्लास 10th का वो CG बोर्ड का होता है, तो पूरा एग्जैक्टली वही था, उसको बस शॉर्ट करके मैंने लिख दिया था। लेखा करेंट अफेयर्स बच्चों के लिए बड़ा हेडेक बना रहता है कि हम अपने नोट्स बनाएं, मार्केट से पढ़ें, आपकी क्या अप्रोच थी? सर क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगा कि मैं करंट में फोकस कर पाऊंगी, तो मैंने ऐसा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। बट आई थिंक मेंस के लिए पेपर 7 में थोड़ा बहुत लग सकता है, हमें अवेयर होना पड़ेगा क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं और क्या न्यू चेंजेस है, तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी एज सच तो उतना नहीं है मेंस में करंट अफेयर्स का। बहुत बढ़िया। मेंस के जो 7 पेपर्स हैं उनमें आप क्या मानती हैं, कौन सा पेपर वीक रहा आपका? सर जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो मुझे लगा कि मेरा मेंस नहीं निकलेगा, मुझे लगा कि मेरे सारे पेपर खराब गए हैं, लेकिन पेपर 1 में मुझे डिसेंट मिल गए, 120 मिले, मुझे लगा था काफ़ी खराब गया है, बट वो और अच्छा हो सकता था। पेपर 2 ऐसे मैंने अच्छा लिखा था, 130 के ऊपर मिला है। पेपर 3 में सबसे कम हो गया सर, 101 मिला है, तो अब होता ही इतना लेंदी है, तो मुझे लगा कि मैंने अपना बेस्ट किया है, बट उतने अच्छे नंबर नहीं मिले। बाकी सर सब में ठीक मिला है। वीकनेस मैं कहूँगी पेपर 3 था, क्योंकि बहुत लेंदी होता है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड I think paper 7 कह सकते हैं, क्योंकि लॉ था, थोड़ा बहुत एक्सपोजर था। क्या उसमें मार्क्स मिले आपको? सर उसमें 106-107 ऐसा कुछ मिला है, मतलब किसी भी पेपर में बिलो 100 नहीं है। जी सर। जी देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 700 की बात होती है तो हर पेपर में मिनिमम 100 चाहिए आपको, उसके बाद 2-4 पेपर आपको 20 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स का एज दे जाए तो आप देख पा रहे हैं कि DC की पोस्ट आपको तय है लगभग, और रैंक भी आपको बढ़िया हासिल हो सकती है। अब हमने देखा यहाँ पर कि लैंग्वेज के पेपर में 120 अराउंड और ऐसे 130, तो अब ऐसे पर एक बार बातचीत करते हैं, बिकॉज ऐसे आप लोगों का बहुत बड़ा दर्द है जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे में आप जाकर उलझ जाते हैं कि सर ऐसे की बुक बता दीजिए, ऐसे के लिए कोई नोट्स बता दीजिए। लेखा आपकी क्या अप्रोच रही?
सर मैंने तो पहले 1 to 7 पेपर सारे ख़त्म कर लिए, जी उसके बाद जब थोड़ा नॉलेज आया, क्योंकि मैं लिखने से डरती थी, मुझे लगता जब कुछ आता ही नहीं मैं क्या लिखूंगी, तो जब पेपर 1 to 7 ख़त्म हो गए, उसके बाद जब एक महीना बचा था, क्योंकि प्री आई थिंक फेब में हुआ था और मार्च सिर्फ एक महीना था हमारे पास, तो हर दिन मैंने सोचा एक एक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैंने सर वो जो कॉपी आती है मेन्स वाली लंबी वाली, तो मैंने वो लिया और उसमें टॉपिक जो थे करंट के उसके मैंने एक एक पेज में सिनॉप्सिस बनाया, उसमें जितने भी डेटाज होते हैं, जो कोटेशन यूज़ कर सकती हूँ, या फिर जैसे सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा उसके फैक्ट वैक्ट, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंक्लूजन, ऐसे करके मैंने अलग अलग 5-6 पैराग्राफ में बना लिया था समरी। और सर कोटेशन मैंने अलग से एक पेज में लिख लिया था कि ये सारे लिखूंगी, और अभी एग्जाम हुआ भी था तो मैंने एक एक ऐसे में 3-4 कोटेशन लिख दिए थे अलग अलग। ग्रेट, तो ग्रेट। सर ऐसे मैंने किया था प्रिपेयर। आपने लिखा वेबसाइट्स और अलग अलग रिसोर्सेज से आपने क्या फैक्ट्स कलेक्ट किए थे? जी सर, सर ऑनलाइन तो मैंने बहुत ऑलमोस्ट ऐसे ऑनलाइन ही मैंने सर्च किए थे, तो सर ऐसे सर्च करने में यूट्यूब में कुछ वीडियोस आ जाते हैं, तो सर मैंने उससे हेल्प ली थी, और डेटा ऐसे इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट के डेटाज ऐड कर दिए थे। ओके दोस्तों, देखिए ऐसे राइटिंग एक दिन की चीज़ नहीं होती। लेखा ने पहले ही कहा कि सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद उन्होंने ऐसे पर काम किया है, और ऐसे राइटिंग ऑब्वियसली एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस की चीज़ है, धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं। लिखा एग्जाम टाइम में ऐसे को कैसे प्लान किया, क्योंकि 4 ऐसे लिखना है 3 आवर्स में, वहाँ आपकी प्लानिंग कैसी रही? सर जैसे 3 आवर्स होते हैं और हमें 4 लिखना है, तो पर ऐसे 45 मिनट्स ऑलमोस्ट होते हैं। अब सोचने में लगभग 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि आधे घंटे में को कैसे भी फिनिश करना है ऐसे। तो सर वैसे ही मैंने प्रैक्टिस भी किया था 1-2 बार, थोड़ा छोटा छोटा लिख के, और बाकी एग्जाम की यही स्ट्रैटेजी मैं सोच कर गई थी ऐसे ही करना है। तो सर 4 टॉपिक आए थे, तो मैंने एक तो पता था स्कीम आएगा आएगा, तो वो तो प्रिपेयर करके गए थे, और सर अभी टॉपिक अच्छे से याद नहीं मैंने क्या लिखा था, और बाकी जो दूसरा था तो मैंने थोड़ा कंटेंट रफ में बना के देखा कि मैं कितना लिख सकती हूँ, मैं 750 वर्ड्स लिख सकती हूँ कि नहीं, तो हो रहे थे लगभग, पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे तो इतना सिचुएशन इतना पैनिक ही होता है, तो जल्दी जल्दी में जो हुआ वो सोचने का टाइम तो नहीं होता है सर, तो जितना याद था मुझे अपने नोट से क्लाइमेट चेंज वाला कुछ आया था, तो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया था, तो ऐसे 2 सर्कल बनाए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का रिलेशन दिखाया था, ऐसे 2 वेन डायग्राम और बीच में वो एक दूसरे को वो कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, तो मैंने सर ऐसे ऐसे कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए थे। ग्रेट ग्रेट। पॉइंट वाइज और पैराग्राफ में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पॉइंट बनाए कि पैराग्राफ में लिखे, आपने कैसा प्रेजेंट किया? सर मैंने पॉइंट्स भी यूज़ किया था, पैराग्राफ भी यूज़ किया था, और ये मेरा पहला मेंस था, तो मुझे पता नहीं कहाँ अच्छा हुआ कहाँ गलत हुआ, मार्क्स तो ठीक ठाक मिले हैं, तो मुझे लगता है यूज़ किया जा सकता है दोनों तरह से किया जा सकता है। एग्जाम हॉल के अंदर कई बार हमें टेबल बनाना या डायग्राम बनाना याद नहीं रहता जी, वो कुछ याद आ गया या आपने जाते ही प्लान कर लिया था रफ में कि मुझे ये करना है? सर नहीं प्लान तो नहीं किया था, बट मैंने अपने रफ जो मैंने बताया सिनॉप्सिस बनाया था, तो उसमें मैंने टेबल्स बनाए थे, कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए थे, तो अब मुझे वो याद आ गया सिचुएशन में, तो मैंने बना दिया, ऐसे प्लान नहीं किया था। प्लान नहीं किया था। देखिए दोस्तों, 4 ऐसे जब आप तैयार करते हैं, जैसा लेखा ने भी बताया 45 मिनट्स ही आपको मिलते हैं, 750 वर्ड्स लिखना है, तो क्या ऐसा हुआ लिखा कि आपने एग्जैक्ट 750 लिखा या कम लिखा या ज़्यादा लिखा? सर जैसे अभी मैंने दोनों मेंस दिए, तो 19 में एक पेज कम था, जो हमको शीट मिली थी तो उसमें आई थिंक 3.5 पेज ऐसा कुछ था, तो एक पेज में लगभग 150 से 200 वर्ड्स आते हैं, तो वो लगभग 600 या 650 वर्ड्स हुए थे जहाँ तक मुझे याद है, तो मुझे लग भी रहा था कि मैंने कम लिखा है, बट अब कुछ कर नहीं सकते थे, पेज था नहीं, तो अब लगभग 650 to 700 वर्ड्स लिखे थे मैंने, और इस बार मैंने 750 से थोड़े ज़्यादा लिख दिए थे, तो हाँ अब पेज ज़्यादा मिल गया था इस बार, तो अब कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इस बार भी इंटरव्यू जी सर आपको? अब मिस करना पड़ेगा, अफसोस है। देखिए दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर आपको दोबारा कॉल आ जाए तो बहुत ज्यादा उसका उपयोग रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये अचीवमेंट है आपकी अपनी कि आपने रिटर्न दिया है और अगेन आप सक्सेस की ओर बढ़ गए, इसका मतलब फॉर्मूला फिट है। कोई सिंगल फॉर्मूला होता नहीं प्रिपरेशन का, ग्रेजुअली आप तैयार करते हैं, देन उस पर आपकी काबिलियत आती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। लिखा इंटरव्यू कैसा रहा ओवरऑल, आई मीन कौन सा बोर्ड था, किन किन सर का बोर्ड था और क्वेश्चंस क्या क्या रहे? सर रिजल्ट 14 अगस्त को आउट हुआ था मेंस का, और इंटरव्यू के लिए मेरे पास थे ऑलमोस्ट 1 महीने, क्योंकि 15 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था, तो सर मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेंस निकलेगा, तो मैं बहुत लेजी हो गई थी, मुझे लगा कि इंटरव्यू कितना भी अच्छा कर लूँ
सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो फिर भी धीरे धीरे प्रिपेयर कर रही थी। और सर मैंने 2-3 मॉक ज्वाइन किए थे, मैंने पाथ का भी मॉक ज्वाइन किया था। और सर मुझे स्टेटमेंट याद है, आपने बोला था अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगी, आपने ऐसा बोला था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये सुन के, और मैंने सोचा ठीक है परसोना ठीक है, हम जा सकते हैं प्रिपेयर करके। तो सर इंटरव्यू में सोनवानी सर का बोर्ड था और 4 मेंबर्स थे, तो सोनवानी सर थे, डीएम अवस्थी सर भी थे, और 2 मैम थी, एक हिस्ट्री वाली मैम थी और एक और करंट का पूछ रही थी। तो सर जब मैं गई तो सर ने कंफर्टेबल किया, पहले बोला बैठिए, कहाँ कहाँ घूमी है छत्तीसगढ़ में, मैन पार्ट में कहाँ घूमी है, ये सब पूछा सर ने। फिर सर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला जो मैंने लूज़ कर दिया। सर ने बोला कोई एक स्कीम बताइए छत्तीसगढ़ की जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। तो उस टाइम मुझे नरवा गरवा बिल्कुल क्लिक नहीं किया, और मैंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बोल दिया, और सर मैं एक और स्कीम के साथ कन्फ्यूज़ हो गई, और मैंने बहुत थोड़ा गलत गलत बोल दिया। तो मुझे लगता है कि जब कैंडिडेट जो अभी प्रिपेयर कर रहे हो वो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर सर इंटरव्यू वाज वेरी नाइस, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा था, मैं आंसर उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई, तो मुझे कम मार्क्स थोड़े कम मिले, 75 मिले, बट आई थिंक क्वेश्चंस वर वेरी नाइस। और 2-4 क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ सर, जैसे करंट में तालिबान चल रहा था उस टाइम, तो मुझसे डीएम अवस्थी सर ने तालिबान का मीनिंग पूछा, फिर अब उसके अराउंड मुजाहिदीन भी होता है, उसका मीनिंग पूछा, तो वो मैं बता नहीं पाई। फिर पूछा कि इंडिया पे उसका क्या इफेक्ट होगा, वो मैंने बता लिया। फिर गुरु घासीदास जी के बारे में पूछा, उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया। उसके बाद हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस थे मेडिवल हिस्ट्री के, वो भी बता, सर फैक्चुअल तो पता था वो बता लिया। फिर मुझसे सिचुएशन क्वेश्चन पूछा गया, तो वो उसका बिल्कुल क्लू नहीं था, क्योंकि अभी तक तो फील्ड में उतरे नहीं है, तो कैसे काम होता है सर उसका उतना आइडिया नहीं था। सर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो ऐसा था कि रात के 2-3 बजे कुछ दंगा फसाद या मॉब लिंचिंग टाइप इंसिडेंट्स हो जाता है, और आप डिप्टी कलेक्टर हो या डीएसपी हो वहाँ के, तो डिप्टी कलेक्टर हो तो वो सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, आप क्या करोगे? तो सर अब मुझे तो दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने बोला कि पुलिस लोग को लेकर जाऊंगी साथ में, तो वो आई थिंक आंसर वॉज नॉट गुड। उन्होंने बोला बस इतना करोगे, तो मैंने बोला हाँ, तो सर वो थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। लेखा जब पाथ में मॉक दे रही थी, तो उस वक्त मैंने अपने कमेंट वाले पेज में वो लिख कर रखा था, वो देता नहीं हूँ मैं, मेरे पास वो पेज रह जाता है, तो उसमें मैंने कमेंट लिखा था कि एक तो यूपीएससी दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए लेखा को, और दूसरा मेरा कमेंट था शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एट दैट टाइम। तो वो बहुत अच्छी हैबिट भी है, लेकिन कई जगह आप परेशानी में पड़ जाते हैं कि आपने टू द पॉइंट बोला, बट उसके बाद मैंने जो फीडबैक दिया वो आपको लेखा बता चुकी हैं कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के जो फीचर्स होते हैं आपके अंदर, जो ट्रेड्स होते हैं, वो बहुत काम के आते हैं, और डेफिनेटली वो कुछ क्वेश्चन मिस कर गई, अदरवाइज आप 100+ मार्क्स में जाती, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है वो है कि मुझे जितना आता है वो तो मैं डिलीवर करूँ अच्छे से, आप ज़्यादा घुमाते नहीं बातचीत में, तो ये अच्छी हैबिट है। देखिए कैंडिडेट्स जितने भी आप लोग बैठकर इस मॉक को देख रहे होंगे, इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली लर्निंग्स तो हर कैंडिडेट से अलग अलग आपको लेनी है। आपको ये देखना है कि पर्सनालिटी भी सबकी अलग अलग होती है, लेखा है तो वो अलग पर्सनालिटी की है, कोई और बच्चा होगा वो अलग पर्सनालिटी का है, उस पर्सनालिटी पर बेस्ड आपके इंटरव्यूज होते हैं। बेसिकली आपने शुरू कहाँ से किया, आपको देखकर बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में सवाल क्या है, इसलिए सवाल रटने नहीं चाहिए बल्कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए कि सपोज हाँ मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूँ। सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, सब्जेक्ट से, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई सवाल था, लॉ बैकग्राउंड से? सर लॉ से कुछ भी नहीं पूछा, मैं आईपीसी सीआरपीसी ये सब मैं प्रिपेयर करके गई थी, कुछ भी नहीं पूछा। हॉबी से भी कुछ नहीं पूछा, मैं बैडमिंटन प्रिपेयर करके गई थी। और सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो नहीं पूछा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, और नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जनरल क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू जैसा आप सोचते हैं वैसा जरूरी नहीं कि हो, और कई बार हम लोग भी कोचिंग में जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें सेट पैटर्न में बता दी जाती हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। खासकर पाथ में हम लोग की कोशिश होती है कि 1-to-1 सेपरेट कैंडिडेट को सेपरेट तरह से सजेशंस दिए जाए, बिकॉज सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलने चाहिए। लिखा ओवरऑल सीजीपीएससी अब क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बनने जा रही हैं, क्या दिमाग में कभी कोई ऑब्जेक्टिव रहा कि इस फील्ड में जाने के बाद मुझे ये तैयार करना चाहिए, या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करूंगी, कोई एक सेक्टर जिसके ऊपर आप काम करना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ उसे? सर बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि वुमेन और मैन इक्वल होते हैं,
और है भी जो कि सच, तो लेकिन अब ऐसे बहुत लोग नहीं मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग विच आई रियली वॉन्ट टू वर्क अपॉन. और मतलब ये मुझे लगता है ये जो है ये दिमाग का है, मतलब आप जब तक नहीं सोचोगे आप इक्वल हो, मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, तो आप इक्वल फील करोगे नहीं. तो जैसे मैंने अपने घर पे देखा, मम्मी पापा दोनों इक्वली काम करते थे, कभी मम्मी लेट होगी तो पापा खाना बना कर रख देते थे, तो सर मैं वो देखती आ रही हूँ, तो मेरा दिमाग तो वैसा ही है, मैं वैसे ही ब्रॉटअप हुई हूँ, बट बाकी लोग नहीं है. किसी और के यहाँ देखती हूँ तो पहले मेल को खाना खिलाएंगे फिर फीमेल खाती हैं, तो सर मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, तो आई थिंक देयर इज समथिंग आई वुड वांट टू वर्क अपॉन. दोस्तों कई बार हमने देखा है कि मैं कई बार फेस करता हूँ ये चैलेंजेस लेखा कि बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं और उनको लगता है कि सर पेरेंट्स ने हमें 2 या 3 साल ही दिए हैं, और 2 या 3 साल दिए हैं इसका मतलब एक लिमिटेड वर्जन में उनको टाइम मिला है, तो उस वक्त फिर होता है कि ये तैयारी करें, बच्चे तैयारी करें या फिर शादी की चिंता करें, ऐसे मामले पर पेरेंट्स को हम क्या गाइड करना चाहेंगे? आपके पेरेंट्स तो काफ़ी लिबरल थे बट फिर भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से. सर क्योंकि ये एग्ज़ाम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अगर दिमाग में इसका प्रेशर होगा कि नहीं ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, तो आई थिंक बच्चा होते अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा. बट कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में भी पढ़ लेते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम. तो मेरा सर बहुत लिबरल था, मुझे ये था कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा, शादी वादी कुछ नहीं कराएंगे, तो मुझे पता था कि मुझे नौकरी पहले करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मेरी लाइफ मूव होगी. तो सर मेरे यहाँ तो हमेशा से ऐसा था. और मैं मैसेज दूंगी कि पहले ऑब्वियसली करियर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं मैरिज का भी कोई भरोसा नहीं है, तो पहले ये सेट हो जाता है फिर लाइफ तो अच्छी होनी है फिर. ओके, बहुत बढ़िया. दोस्तों देखिए, जितने भी आप बच्चे सभी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि 2 से 3 साल लेकर चलना चाहिए पीएससी की तैयारी के लिए, बिकॉज इतना टाइम रिक्वायर्ड है. 1 साल में तो आप मैच्योर होते हैं, फिर आपको समझ में आता है, हाँ इस बीच आपका एग्जाम निकल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मिनिमम 1 to 2 years आप मानकर चले. लेखा मैं वापस आपको प्रीलिम्स की ओर लेकर आना चाहूंगा, बिकॉज अब कुछ दिनों बाद प्रीलिम्स के नोटिस आ जाएंगे. सो प्रीलिम्स को लेकर कोई स्पेसिफिक अप्रोच जो आपको समझ में आया कि ये मुझे करना था ये नहीं करना था, ऐसा कोई? सर मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई नवंबर से स्टार्ट की थी जी. उसके पहले भी थोड़ा पढ़ लिया था बट नवंबर से फुल फोकस प्रीलिम्स स्टार्ट किया. नवंबर दिसंबर मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने कम से कम 10-15 बार रिवाइज किया होगा. उसके बाद जनवरी से फुल फोकस करके टेस्ट लगाती थी. सर मैंने पाथ का ज्वाइन किया था जैसे मैंने बताया, तो मैंने हर टेस्ट सॉल्व किया, मुझे अपना वीकनेस पता चला, दोस्तों के साथ डिस्कस करती थी कि तुम्हें कितना मिला, कैसे ये वाला कैसे करना है ये. तो सर और मैंने स्ट्रैटेजी भी बनाई थी कि अटेम्प्ट ज़्यादा रखना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, सीजीपीएस का कट ऑफ कुछ भी चला जाता है. तो सर मैंने 80 to 85 अटेम्प्ट में हमेशा कर, जैसे दोनों टाइम दोनों प्री निकला, दोनों में मैंने ऑलमोस्ट 81-82 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि सर ऑलमोस्ट 10 question गलत हो जाते हैं और उसमें अगर 70 सही है यानी 140-10 130 विच इज अ सेफ मार्जिन. तो सर मेरे नंबर भी दोनों बार अच्छे हैं, 130-135 ऐसे नंबर आए. तो सर दिस वाज माय स्ट्रेटजी. एग्जाम हॉल में कोई प्लानिंग अंदर थी कि पहले मैं इजी क्वेश्चन करूं या पहले सीजीजीएस वाले करूं, कोई प्लानिंग थी आपकी एग्जाम हॉल में? सर मुझे याद है मेरा सेंटर कुछ वो बंजारी धाम कुछ मंदिर वाला सेंटर था, तो मैं खुश हो गई थी चलो मंदिर है अच्छा होगा. तो सर ये है कि रिलैक्स होकर गई थी और मैंने सोचा कि पहले इजी वाले करते हैं. तो मैंने जब पेपर खोला तो जो मेरे क्वेश्चन थे मुझे जो पता था वो सामने दिख गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया. तो सर मैंने पहले इजी किए, ऑलमोस्ट आई थिंक 55 क्वेश्चन मेरे बन गए फर्स्ट राउंड में. फिर सेकंड राउंड में मैंने सोचा कि 55 से तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने सेकंड राउंड किया, उसमें ऑलमोस्ट 10-15 question बने. फिर रिस्क लेने का टाइम था तो मैंने 15 question में रिस्क लिया और सर सही हो गए तुक्के से, अब क्या बोलोगे, हो गया सही, तो अच्छा मार्जिन था. देखिए कुछ क्वेश्चंस आप करते हैं वाकई उनके बारे में आपको नहीं पता होता कि सही होंगे गलत होंगे, बट आप करके आते हैं. एनीवेज प्रीलिम्स इसी का नाम भी है कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, कोई नहीं पूछता कि सही क्यों हुए, पास हो गए, दैट्स इट. टेस्ट सीरीज में आपको वही क्वेश्चंस लगाने चाहिए जो आपके तुक्के में ना हो, जिसपे आप कन्फर्म हो. मैं सही कह रहा हूँ जी? तो बेसिकली उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप तुक्के की प्रैक्टिस कर लेते हैं टेस्ट सीरीज में, वो आपको नुकसान पहुंचाता है एग्जाम हॉल में, बिकॉज आप तुक्के की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर आप गलत करते हैं अपने साथ. हाँ एग्जाम हॉल में तुक्का आप लगा के आ रहे हैं वो आपकी मजबूरी है, उस वक्त आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, बट टेस्ट सीरीज में आपको वही करने चाहिए जो आपको आता हो या जिन फैक्ट्स पर आपको कमांड हो. ओवरऑल प्री के इमीडिएट बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर प्री हुआ आई थिंक
फेब्रुअरी 2020 में, उसके बाद कोविड लॉकडाउन लग गया सर, तो पढ़ने का मोमेंटम हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि माइट एज वेल मेक सम नोट्स, तो मैंने नोट्स बनाए नहीं थे, तो ऐसे टीवी देखते हुए आराम से बैठ के मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, एकदम ऐसे खाली बैठ भी नहीं सकते, तो मैं नोट्स बनाती थी सर। मैंने अक्टूबर तक नोट्स अपने पूरे बना के कंप्लीट कर दिए, और एग्ज़ाम 2-3 बार डिले हुआ, तो सर दिमाग में भी ऐसा हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अब हो पाएगा कि नहीं, खुद पर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर डेट्स आई थी अक्टूबर में होने वाला था, फिर वो भी डिले हो गया, फिर ऐसे दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया नेक्स्ट ईयर के प्री का, तो सर प्रेशर अब समझ नहीं आ रहा, मेंस पढ़े प्री पढ़े, तो फिर जनवरी से मैंने प्री पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था आता है, ब्रशअप कर रहा है, तो मैंने जनवरी से फिर नेक्स्ट ईयर का प्री पढ़ा, और फिर नोटिफिकेशन आ गया सडनली कि मार्च में मेंस होना है, तो सर बहुत डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। फिर मैंने सर 1 महीने का टाइम था, तो मैंने नोट्स जैसे ऑलरेडी बना लिए थे, और सर मैंने हर नोट्स कम से कम 15-20 बार मैंने पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा बार पढ़ा होगा। तो फिर सर 1 महीने में जैसे मर्जी के पढ़ना था तो पढ़े 1 महीने, मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, हम दोनों घर में साथ में रहते थे, और साथ में रह के हम लगभग 10-12 घंटे रोज पढ़ते थे 1 महीने। बहुत बढ़िया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी किस तरह से आपको काम आती है, और इस एग्ज़ाम का हवा होता ज़रूर है, बट मेरा मानना है कि आप एक बार जब उतरते हैं इस एग्ज़ाम में तो फिर वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। ऐसा कितने दिनों में लग गया था आपको कि इस एग्ज़ाम में मुझे टाइम चाहिए और इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकती हूँ? सर मुझे स्टार्टिंग से ही लगता था कि CGPSC मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं या फिर मेरे आसपास के लोग हैं जो मेरे मतलब मेरे जैसा ही पढ़ते थे, तो मुझे लगा कि ये सब कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे बैच का एक लड़का था जो लास्ट ईयर असिस्टेंट डायरेक्टर पंचायत कुछ बना था, तो मुझे लगा इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो सर लगता था मैं कर सकती हूँ, भरोसा था खुद पर, और मैंने सोचा कि अपने कुछ कुछ एडवांटेज भी है मेरे, मैं ऑलरेडी मुझे लॉन्ग आंसर लिखने का प्रैक्टिस है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तो शायद एडवांटेज मिल सकता है, तो सर मैंने एडवांटेज पर वर्क किया और फिर मुझे लगा रिजल्ट मिल गया। स्कूलिंग आपकी रायपुर से हुई है? सर भिलाई से, डीपीएस भिलाई से। अच्छा, डीपीएस भिलाई से की, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि वैसे तो एनएलयू के बहुत सारे स्टूडेंट पाथ के छात्र हैं, और उनमें से बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी हैं, पीएससी में सिलेक्शन लिया है या और भी दूसरे जॉब्स में आप आ चुके हैं। मुद्दा यह है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं ये बहुत पहले से डिसाइडेड नहीं होता, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया फिर उसके ऊपर टूट पड़ी आप, और ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आपकी लाइफ में फिर वो एक करियर आपको दिखाई देना शुरू करता है। तो बहुत जल्दी प्लान कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप किसी भी कोर्स में हो, कोई भी पीजी कर रहे हो लेकिन या ग्रेजुएशन कर रहे हो, देन आप डिसाइड कीजिए कि गवर्नमेंट जॉब को किस तरह से प्लान करना, बिकॉज वक्त बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और आप देख पा रहे हैं कि NLU जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आप देख पाते हैं वो कॉन्फिडेंस आना कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना और निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, उसका एक बेनिफिट मिलता है डेफिनेट तौर पर, और फिर आपको फ्रेंड्स वैसे मिल जाए, मार्गदर्शन वैसा मिल जाए। ओवरऑल लास्ट में क्वेश्चन, पाथ के साथ जर्नी कैसी रही लेखा? सर मुझे तो पाथ घर जैसा लगता था, क्योंकि बहुत पुरानी जर्नी, आई थिंक 2015-16 से हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे पहले तो इसी क्लासरूम में सर हम आते थे, और फिर मुझे लगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सब नोन फेसेस है, तो मुझे यहीं पे क्रैश कोर्स करना चाहिए, तो मैंने क्रैश कोर्स की, यहीं पे मुझे फ्रेंड्स मिले, तो सर मुझे तो घर जैसा लगता है, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। बहुत बढ़िया। सो चलिए दोस्तों, ये सफलता की इस कहानी से आप लोग जरूर बहुत कुछ सीखेंगे ऐसा मेरा मानना है, और लेखा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत जल्दी UPSC क्रैक कीजिए और IAS बन कर आए, एंड देन फिर हम दोबारा ये इंटरव्यू शूट करें, और ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन लेखा, और लाइफ में आप अच्छा करें, एक बढ़िया ऑफिसर बन के आप समाज की सेवा करें, कंट्री को सर्व करें। सो थैंक यू दोस्तों हमको सुनने के लिए, और लेखा आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर।